आप अपना पैसा बर्बाद करेंगे तो आप केवल पैसा खोएंगे, लेकिन अपना समय बर्बाद करके आप अपने जीवन का अमूल्य हिस्सा खो देंगे। समय अनमोल है, यह आपके पास में एकमात्र सिक्का है और केवल आप ही यह निर्धारित कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च किया जाएगा। और सावधान भी रहना होगा कि दूसरे लोग आपका समय व्यर्थ खर्च ना करें। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जनवरी 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी राशि, आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। इस विशेष राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स का मैं विश्लेषण करूंगा, उसमें सबसे पहला सेक्टर है आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट। जनवरी 2021 में आपकी आय, आपका प्रॉफिट, आपका गेन और एप्रिसिएशन आपको संतुष्ट तो रखेगा, लेकिन इसके पीछे आपको एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे और स्पेशली आपको 14 जनवरी 2021 के बाद में ज्यादा एफर्ट करने से ही संतुष्टि मिल पाएगी। लेकिन जनवरी 2021 में जो फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित है, रेडीमेड गारमेंट से संबंधित है, और या फिर वो लोग जो जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित काम करते हैं, एंटिक का काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, टीवी इंडस्ट्रीज और फिल्म इंडस्ट्रीज से संबंधित लोग हैं, या फिर एंटरटेनमेंट आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मेंस आर्ट से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, वो इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी ऑर्डर भी मिलेंगे और एग्जीक्यूशन में भी वो आगे बढ़ करके गेन कमाएंगे। सेकेंड स्ट्रीम में वो लोग जो अनाज का काम करते हैं, गेहूं, गुड़ या तांबा का काम करते हैं, और वो लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में हैं, वो लोग जो कॉपर से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों को भी इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करने का या अपने आप को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, गेन से वो संतुष्ट होंगे। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की या आपकी धन और संपत्ति की। तो जनवरी में आपको इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करने पड़ेंगे, तभी आप गेन कमा सकते हैं, नहीं तो आपको जहां तक संभव हो साइड में हो जाना चाहिए। यदि आपको कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, तो फिर साइड में हो जाइए, छोड़ दीजिए इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इस समय काल में रिस्क फैक्टर ज्यादा है। लेकिन फिर भी जो कमोडिटी के थ्रू काम करेंगे उनके लिए मसूर की दाल, कॉपर में और चने की दाल में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेटर है। और साथ ही साथ जो शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कोर सेक्टर की कंपनियां, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां, कंस्ट्रक्शन से संबंधित, कॉपर से संबंधित, लैंड और बिल्डिंग से संबंधित जो भी स्टार्टअप्स होते हैं, जो भी कंपनियां होती है जो इससे रिलेटेड काम करती है, या प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संबंधित काम करती है, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की और भूमि, भवन, वाहन के सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। जनवरी 2021 में आपको पारिवारिक माहौल में रोखापन देखने को मिलेगा, आपस में वैचारिक मतभेद उभरेंगे या आप जो चाहते हैं उसके अंदर दूसरे राजी नहीं होंगे और दूसरे जो जिसको चाहते हैं, जिस मामले को चाहते हैं, जिस एटीट्यूड को चाहते हैं वो आपको पसंद नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में एडजस्टमेंट नहीं बैठ पाएगा और एक दूसरे की टांग खिंचाई में ही समय बर्बाद होगा और परिवार का माहौल जो है वो कटुता में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात एक दूसरे पर छिटक हसी होगी। और ऐसी स्थिति में जो पारिवारिक माहौल है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनवायरनमेंट में बदल जाता है, जहां पर सुख नहीं वहां पर आपस में ही मतभेद उभर करके सामने आ सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय आपको शनि का ढैया चल रहा है और बृहस्पति भी जो पराक्रम भाव का अधिपति होकर के नेगेटिव नीच राशि में है। ऐसी स्थिति में छोटे भाई बहन ज्यादा बदला निकालेंगे या ज्यादा प्रॉब्लम आपके सामने फेस करेंगे, तो इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए शनि के दान या उपाय जरूर आपको करने चाहिए। आइए अब बात करें भूमि, भवन और वाहन के सुख की। शनि स्थायी संपत्ति का मालिक तो है, लेकिन यहां पर शनि फोर्थ हाउस में स्वराशि का स्थित होकर के एक योग बना रहा है, पंच महापुरुष में एक योग शश योग, लेकिन बृहस्पति यहां पर नेगेटिव है, राहु की दृष्टि फोर्थ हाउस पर है। ऐसी स्थिति में आपको कोई विवादास्पद प्रॉपर्टी जो होती है जिसके अंदर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम्स हो या उसमें छिपी हुई कोई नेगेटिविटी हो, कोर्ट कचहरी के मैटर हो या दूसरों के इंटरफेरेंस हो, वैसी प्रॉपर्टी आपके गले पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा सावधान होकर के इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए या टैकल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जरूरी है तो ही आपको हाथ डालना चाहिए, नहीं तो आप साइड में होकर के सिर्फ और सिर्फ उसको देखते रहिए।
क्योंकि जब समय सही नहीं हो तो अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा वेस्ट नहीं करना है। वाहन की बात है, सेकेंड हैंड वाहन के बारे में बातें हो सकती है, लेकिन फाइनलाइजेशन आपको 14 जनवरी के बाद ही देखने को मिल सकता है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और साथ ही साथ संतान के सुख की। राशि से फिफ्थ हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है। त्रिकोण का अधिपति जब केंद्र में होता है इस स्थिति को राजयोग बोलते हैं। तो शिक्षा भाव के लिए तो यह शनि आपको सपोर्ट करेगा। तो जनवरी 2021 में आप काफी ज्यादा स्मूथ, काफी ज्यादा कंफर्टेबल, काफी ज्यादा रिलैक्सिंग होते हुए अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे, या आप कंट्रोल करेंगे, या आप सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। और इस सेक्टर में या शिक्षा की लाइन में, एजुकेशन स्ट्रीम्स में, सबसे पहले जो भी लोग मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तकनीकी क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, उनको सक्सेस मिलेगी, उनको रिलैक्स ज़्यादा होंगे या सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा। सेकंड लाइन में जो कॉमर्स स्ट्रीम लाइन से संबंधित स्टूडेंट्स हैं उनको सपोर्ट मिलेगा। थर्ड स्ट्रीम में जो भी सॉफ्टवेयर के अंदर है या आईटी सेक्टर्स में है, डिज़ाइनिंग के सेक्टर्स में है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और फोर्थ सेक्टर में जो फैशन कॉस्मेटिक से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं, फैशन डिज़ाइनिंग से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो एक्टिंग सीख रहे हैं, डांस सीख रहे हैं, कोरियोग्राफर बनने की ट्राई कर रहे हैं, या कोई फिल्म लाइन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो फोटोग्राफी का हो या एडिटिंग का कोई कोर्स हो, आपको इस समय सपोर्ट मिलेगा, सक्सेस के रास्ते खुलेंगे, अर्थात आप इजीली आगे बढ़ने की तरफ मूव करेंगे या आपको इजीली सक्सेस मिलेगी। आइए अब बात करें संतान के सुख की। संतान का अधिपति भी शनि है, लेकिन संतान का कारक बृहस्पति है, जो कि नेगेटिव है, नीच राशि में है। ऐसी स्थिति में जिनकी संतान माइनर है, उनको संतान पर ज्यादा देखभाल करनी पड़ेगी, ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो इस समय कोई न कोई विवादग्रस्त स्थिति में फंस सकते हैं, कोई प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, और आपको उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, चाहे वाद विवाद में, चाहे लड़े झगड़े में, और चाहे कोई और किसी प्रॉब्लम में, चाहे उन्होंने कोई गलती कर दी हो, चाहे उन्होंने कोई न कोई ऐसे कारण से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी हो, तो आपको उनको बचाना भी पड़ेगा और उनकी सेफ्टी भी करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। और जिनकी संतान माइनर नहीं है, उनको फिर भी मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये समय उनके संतान के लिए सुखद है। संतान आपको सुख भी देगी और आपके पैरामीटर पर खरी भी उतरेगी, अतः सीरियस होकर के अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ेगी। और यदि संतान विवाहित है तो फिर आपको थोड़ा अपने आप को माइल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय कुछ स्थितियाँ आपके विपक्ष में या आपके नेगेटिविटी में भी उभर सकती है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से सिक्स्थ हाउस से इन सभी का विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि नेगेटिव है। तो एक नेगेटिव भाव का अधिपति, नेगेटिव होना आपके लिए अच्छा है, सुखद है। और शनि की तीसरी दृष्टि, जो कि प्राय शुभ मानी जाती है, सिक्स्थ हाउस पर है, जो कि आपके लिए बेटर है। ऐसी स्थिति में आपको रोगों से, आपको विरोधियों से, शत्रुओं से फाइट करने का मौका नहीं मिलेगा, आपके लिए स्थितियां ज्यादा बेटर रहेंगी। लेकिन फिर भी जो लोग डाइजेशन सिस्टम के मरीज हैं, जो लोग डायबिटिक हैं, जो लीवर की प्रॉब्लम के मरीज हैं, उन लोगों को जरूर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, अपने खान पान पर ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सरसाइज का ध्यान रखना पड़ेगा, या जो भी डॉक्टर्स ने सलाह दी है उस पर 100% अमल करना पड़ेगा। साथ ही जो महिलाएं हैं और जो महिलाएं गर्भवती हैं, या फिर जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, जस्ट अभी ही बॉर्न हुए हैं, 1-1.5 महीना हुआ है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा अपनी केयर और संतान की केयर करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं शत्रुओं की, विरोधियों की। इस समय काल में आपके फाइनेंशियल शत्रु, पैसे से लेन देन से जो शत्रुता उभरी है, या आपने पैसा लेकर के वापस जवाब नहीं दिया है, आप उनका फोन नहीं उठा रहे हैं, या बैंक से लोन लिया है और लोन की किस्त आप नहीं दे पाए हैं, तो ऐसी बहुत से लोगों के साथ में हुआ है, तो उसको रीसेटलमेंट कीजिए, वापस जा करके उनसे बात कीजिए, चाहे वो बैंक से हो, बात कीजिए। और अगर आपने प्राइवेट लोन लिया हुआ है या अपने ही किसी परिवार वालों से लोन लिया हुआ है, तो उनसे बात करना जरूरी है, अन्यथा फिर आपके अपमानित होने की स्थिति आ सकती है। समाज है, पैसा लेना पड़ता है, जरूरत होती है तब लेना ही पड़ता है, एक दूसरे को मदद ऐसे ही करते हैं, लेकिन उसके साथ में कमिटमेंट भी होता है, और कमिटमेंट फेल हो गया तो शर्माने की जरूरत नहीं है, आप उसको फेस कीजिए तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। आइए अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य सुख की और गृह सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख या गृह सुख का विचार किया जाता है।
इस भाव का अधिपति मंगल है जो स्व राशि में और पंच महापुरुष में से एक योग रुचक योग का निर्माण कर रहा है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा बलवान है। लेकिन मंगल के अंदर क्रोध, आवेश, जोश, जुनून ये सब कुछ होता है। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख में ऊर्जा, जोश, जुनून ये सब अच्छा है, लेकिन जब क्रोध होता है तो उसका परिणाम नेगेटिव होता है, क्योंकि मंगल सेनापति है, डोमिनेटिंग करने की जो ताकत है वो रखता है, अधिकार जमाता है, अधिकार पूर्वक सब छीन लेना चाहता है जो कि हर किसी को पसंद नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख में कुछ प्रॉब्लम के साथ में, कुछ समस्याओं के साथ में, कुछ आर्ग्यूमेंट के साथ में सुख तो मिलता रहेगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट भी साथ में मिलेंगे। इस चीज को आपने मैनेज करना है, इस चीज को आपने टैकल करना है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है, और इसके लिए पंचम भाव जिम्मेदार होता है। फिफ्थ हाउस का प्रेम प्रसंग से लेना देना है या उनके साथ में विश्लेषण उस भाव से किया जाता है। उस भाव का अधिपति शनि है और शनि का ढैया चल रहा है, लेकिन यहां पर शनि आपके लिए वरदान है, अर्थात जो एक त्रिकोण भाव का अधिपति केंद्र में होना राजयोग प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में प्रेम प्रसंग शनि सुखद है। सेकंड चीज, सप्तम भाव आपके लिए जिम्मेदार होता है। सप्तम भाव में मंगल स्व राशि का है, वो अच्छा है, और साथ ही साथ शुक्र जो कि 4 जनवरी 2021 को ही राशि से थर्ड हाउस में आ जाएंगे, ऐसी स्थिति में वो भी आपको शुभ परिणाम देंगे, क्योंकि राशि से पांचवें भाव तक, 11वें भाव से लगा करके पांचवें भाव तक ये 7 राशियों में शुक्र कंटिन्यू आपको पॉजिटिव प्रभाव देते हैं। ऐसी स्थिति में आपको एडजस्टमेंट अच्छा मिलेगा, एक दूसरे को समझने में समय आपका अच्छा लगेगा, या एक दूसरे को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, अपने बारे में फैसला भी ले पाएंगे। लेकिन एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेगी, लेकिन आपको अपनी मर्यादा में रहना है, अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, धैर्य और संयम बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, नहीं तो यही इमोशंस, यही जो आपका डेवलपमेंट हुआ है, ये नेगेटिव स्थिति में बदल सकता है और आप किसी कानूनी मामले में भी फंस सकते हैं। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, आपके जॉब की, प्रोफेशन की या रोजगार की, और ये सब कुछ एक ही भाव से देखे जाते हैं राशि से 10th हाउस, क्योंकि 10th हाउस को कर्म का भाव बोला जाता है। जब कर्म करेंगे तो ही फल मिलेगा, तो ही अप्रिसिएशन मिलेगा, चाहे अच्छा या बुरा प्रभाव आपके कर्मों से मिलता है। तो ऐसी स्थिति में जनवरी 2021 में जो तेजी से फैसले लेंगे, जो तेजी से सोच समझ करके बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, उनको फायदा ज्यादा होगा, उनका काम धंधा ज्यादा बेटर ढंग से बढ़ेगा, वनस्पति की वो लोग जो लाइन में खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। तो ऐसी स्थिति में आपको इस समय काल में जनवरी 2021 में बहुत तेजी से सोचना भी है या प्लानिंग करके आगे बढ़ जाना है। ये ध्यान रखिएगा कि जनवरी 2021 में आपकी प्लानिंग ही आपको जीतने के ज्यादा मौके देंगी। तो जनवरी 2021 में जो फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित, आर्ट एंड एंटरटेनमेंट से संबंधित जो भी सेक्टर्स हैं, उसमें काम करने वाले लोग अपने आप को ज्यादा इंप्रूव करेंगे, ज्यादा उनको कामकाज मिल पाएगा। इसके अलावा जो लोग कांच का काम करते हैं, लिक्विड का काम करते हैं, या कन्फेक्शनरी आइटम का काम करते हैं, खाने पीने की चीज़ों का काम करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, मसालों का काम, ग्रोसरीज का काम, बिजली का काम करते हैं, वो लोग जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज का काम करते हैं, मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, स्क्रैप, फाउंड्री, फैब्रिकेशन या एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इससे संबंधित काम करने वाले लोग यहां पर जनवरी 2021 में ज्यादा अपने कामकाज को आगे बढ़ाएंगे या कंफर्टेबल होकर के इंप्रूवमेंट देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप पर चढ़ जाएंगे। आइए अब बात करते हैं घर की, गृह लक्ष्मियों की, हाउसवाइफ की। ये सेगमेंट हमने उनको समर्पित किया है कि उनके बारे में ज्यादा कोई सोचता नहीं, ज्यादा कोई बोलता नहीं, लेकिन गृह लक्ष्मियों के बिना, हाउसवाइफ के बिना हमारी सबकी जिंदगी अधूरी है। उनके बिना आप अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उन गृह लक्ष्मियों को जनवरी 2021 में अपने घर और परिवार के सुख में संघर्ष करना पड़ेगा, संतान की चिंता रहेगी, तो दाम्पत्य सुख में भी यदा कदा कुछ न कुछ प्रॉब्लम या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और जनवरी 2021 में ही आपको छोटे देवर या छोटी ननन से प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है, वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम करेंगे। छोटी छोटी बातें आपकी लाइफ में इतनी डिस्टर्ब के ढंग से पैदा करेंगे कि आप एक प्रकार से इरिटेट हो सकते हैं, झुंझला सकती हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जो समस्या है, जो प्रॉब्लम्स है, वो टेम्प्रेरी है, तो टेम्प्रेरी ही ढंग से उनको सुलझाने का कोई काम करें, क्योंकि ये रिश्ते ऐसे हैं कि जिनको आप साइड में नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को आप शांत रख सकते हैं या फिर
एक प्रकार से इग्नोर करें, जो बोला है ठीक है ओके करने दीजिए, छोटे बच्चे करते ही हैं शरारतें, उस ढंग से आप उसको साइड में कर सकते हैं, लेकिन उनसे फाइट करना आपकी इमेज को खराब करेगा। आइए अब बात करें जनवरी 2021 के विशेष उपायों के बारे में। जनवरी 2021 में आपको बृहस्पति और शनि दोनों की शांति के उपाय करने पड़ेंगे, दोनों से संबंधित पूजा उपासना दान धर्म ये सब करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो बृहस्पति के लिए आप विष्णु की पूजा उपासना कर सकते हैं, विष्णु भगवान पर रोजाना जलाभिषेक कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और हर गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, ये आपके हाथ में, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से शनि की भी पूजा उपासना करनी है, आप काल भैरव की पूजा उपासना कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, उनको सिंदूर का चोला चढ़ा सकते हैं और हर शनिवार को आप काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं और ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा 14 जनवरी 2021 को एक महापर्व है, मकर संक्रांति महापर्व, ये एक प्रकार से आपके लिए वरदान है क्योंकि शनि का ढैया चल रहा है। जिन जिन लोगों को शनि का ढैया चल रहा है, शनि की साढ़े साथी चल रही है, उनको इस मकर संक्रांति पर्व पर सूर्य और शनि की पूजा आराधना विशेष उपाय जरूर करने चाहिए और आपको शनि का ढैया चल ही रहा है, ऐसी स्थिति में आपको मकर संक्रांति कलश का उपयोग करके जीवन में सुख शांति के लिए प्रयास करने चाहिए, क्योंकि मकर संक्रांति कलश का अर्थ है आपके अधिकारों में वृद्धि, आपके पिता और पुत्र के बीच में जो वैचारिक मतभेद है उसका निराकरण, साथ ही आपके लाइफ में धन समृद्धि और सुख इनमें वृद्धि। और ऐसी स्थिति में जो भी अपने घर परिवार में सुख चाहते हैं वे लोग मकर संक्रांति पर्व पर मकर संक्रांति कलश का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि इस एक कलश में वो सब सामग्री है जो आपको स्थापित करनी है, जो आपको दान करनी है, जो आपको धारण करनी है और साथ ही साथ पूरा विधि विधान भी आपको उस कलश के साथ ही मिलेगा। ऐसी स्थिति में समय से पूर्व वो कलश को मंगवा लें जिससे आप उसकी सामग्री भी चेक करें और साथ ही साथ जो विधि विधान है उसको भी अच्छे ढंग से पढ़ लें समझ लें, ताकि आपको एग्जैक्ट उसी दिन कोई भ्रांति का शिकार या कोई कन्फ्यूजन ना रह पाए। और इस मकर संक्रांति कलश को प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए उन पर संपर्क कीजिए, आपको घर बैठे वो कलश मिल पाएगा। ये तो था जनवरी 2021 का राशिफल और जनवरी 2021 का विशेष उपाय, लेकिन जो पूरे वर्ष भर का राशिफल है, वार्षिक राशिफल 2021, वो हमने बहुत ही मेहनत से और बहुत ही प्यार से विस्तृत रूप में बना करके चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आपको सिर्फ उस राशिफल को, अपनी राशि के राशिफल को सुनना है, समझना है, क्योंकि मैंने उसमें पॉजिटिव डेट्स और नेगेटिव डेट्स दोनों ही बतलाई है जो कि आपको नोट करके रखनी है। और इस एक एपिसोड को सुनने के बाद में, समझने के बाद में आप 2021 की पूरी प्लानिंग कर पाएंगे कि आपको किस समय सुख की स्थिति मिलेगी, कौन से सेक्टर में शुभ है और कौन से सेक्टर में सावधान रहना है। फिर भी यदि आपकी समस्याएं हैं, आपकी अपनी कोई निजी समस्याएं हैं, निजी आकांक्षाएं हैं, कोई सपने हैं या आपने सोच बहुत बड़ी रखी हुई है और ऐसी स्थिति में जिनके पास में नौकरी नहीं है वो नौकरी के लिए सोच रहे होंगे कि नौकरी कब मिलेगी, और जिनकी नौकरी में कोई प्रॉब्लम चल रही है वो ये सोच रहे होंगे नौकरी पर खतरा तो नहीं है, और जो अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं उनके लिए भी आपकी अपनी जन्म कुंडली जिम्मेदार होगी, या फिर जॉब को छोड़ करके अपना बिजनेस करने के बारे में सोचना है, या प्रेजेंट बिजनेस है उसमें क्या आप और चेंज कर सकते हैं जिससे कि आपको इस समय काल में राहत मिले। संतान से संबंधित, विवाह से संबंधित, आय से संबंधित या प्रॉपर्टी से संबंधित बहुत सारी चीजें जो आपकी जन्म कुंडली आपके बारे में ज्यादा सही बता सकती है, क्योंकि जन्म कुंडली तो आपकी अपनी है और इसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए उन पर संपर्क करना है। हमारी टीम के मेंबर जो भी फोन उठाएंगे आपकी पूरी पूरी सहायता करेंगे अपॉइंटमेंट को बुक करने में। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना, अपने परिवार का, छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और हाँ अपने घर की गृह लक्ष्मी का विशेष सम्मान करें, विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर आपकी रक्षा करें, धन्यवाद।